बाबर के आगे फिर फेल हो गए रोहित और विराट। टेस्ट में बाबर का भौकाल हुआ बुलंद, रोहित विराट फेल। बाबर की अचीवमेंट पर पाकिस्तान में मनाया जा रहा जश्न। बाबर की कामयाबी देख जल भुन जाएंगे रोहित विराट। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम के सितारे इस वक्त बुलंद हैं। यही वजह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को वो लगातार पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर से बाबर ने इतिहास रच दिया है और आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में रोहित और विराट को एक बार फिर से पीछे छोड़कर अपना भौकाल बुलंद किया है। दरअसल आईसीसी की ओर से नई रैंकिंग जारी की गई है, जहां वनडे की तरह टेस्ट रैंकिंग में भी भारी उलटफेर दिखाई दे रहा है और कई खिलाड़ियों की रैंकिंग इधर से उधर हो गई है। खास तौर पर इंग्लैंड के जो रूट, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को रैंकिंग में खूब फायदा हुआ है, जबकि विराट कोहली और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को एक बार फिर से रैंकिंग में निचले पायदान पर रहना पड़ा। गौरतलब है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज और वेस्टइंडीज और भारत के बीच 2 टेस्ट मैच और पाकिस्तान श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली गई। इसके बाद आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की, जिसमें इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट को और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को टेस्ट रैंकिंग में ज़बरदस्त फायदा हुआ, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा को टेस्ट रैंकिंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट रैंकिंग में अपना दबदबा कायम रखा है। वहीं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को पछाड़ दिया है। दरअसल बाबर को 2 पॉइंट्स का फायदा हुआ और 829 अंकों के साथ 4th स्थान पर पहुंच गए, जबकि रोहित को 1 अंक का नुकसान हुआ और वो 759 अंकों के साथ 10वीं पोजीशन पर खिसक गए। वहीं विराट कोहली की बात करें तो वो 14वीं पोजीशन पर हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि बाबर आजम किस तरीके से कमाल कर रहे हैं और रैंकिंग में रोहित विराट को पछाड़कर इतिहास रच रहे हैं। ऐसे में टेस्ट रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस बेहद ख़राब है, लेकिन गेंदबाजों की रैंकिंग में टीम इंडिया के धुरंधरों ने कमाल करके दिखा दिया है। गेंदबाजों की टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो टीम इंडिया स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की बादशाहत कायम है। वो 879 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि दूसरे पर साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा है। इसके अलावा 782 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं जडेजा। ऑलराउंडर की टेस्ट रैंकिंग में भी जडेजा का जलवा कायम है और वो 445 पॉइंट्स के साथ पहले और अश्विन दूसरी पोजीशन पर हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा चर्चा पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की हो रही है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली को रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है और बता दिया कि आने वाला वक्त उन्हीं का है। बाबर आजम ने 49 टेस्ट खेलते हुए 3,772 रन बनाए। इस दौरान 9 शतक और 26 अर्धशतक लगाए। 47.74 की औसत से बाबर ने टेस्ट में रन बनाए। टेस्ट में 196 रन बाबर आजम का हाईएस्ट स्कोर रहा। फिलहाल बाबर ने कमाल कर दिया है, जिसके बाद फैंस गदगद है और पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि उनके सबसे बड़े प्लेयर ने भारत के 2 दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक बार फिर से पीछे छोड़ दिया है, जो कि अपने आप में बाबर की काबिलियत को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।